hello friends welcome to agriculture knowledge school youtube channel today we will discuss a very important topic of plant pathology is physical methods of plant disease control so what are the physical methods of plant disease is heat treatment soil solarization hot water treatment hot air treatment soil sterilizations these are the important practices so let's start सो फर्स्ट इज़ फिजिकल मेथड्स सो कौन कौन सी फिजिकल मेथड्स हम एग्रीकल्चर में यूज़ करते हैं पेथोजन के कंट्रोल करने के लिए तो पहली है सॉइल सोलराइजेशन दूसरी है सॉइल स्टरलाइजेशन तीसरी है हॉट वाटर और हॉट एयर ट्रीटमेंट्स चौथी है सोलर हीट और सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट पांचवा है मोस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट छठा है हॉट एयर ट्रीटमेंट एंड सातवां है aerated stream therapy so amongst these methods soil solarization, soil sterilization, hot water and so solar energy treatment is very very important so soil solarization soil solarization or slow soil pasteurization is the hydrothermal soil heating accomplished by covering moist soil with polythene seeds 20 to 25 micrometer as need as a soil mulch during summer months for 4 to 6 weeks. Soil solarization was developed for the first time in Israel by Egle and Katan for the management of plant pathogenic pests, diseases and weeds. Soil solarization is generally used for controlling soil borne pathogens like Pythium, Verticillium, Rhizoctonia and Fusarium. तो सिंपल ये कि सॉइल सर्वाइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जब गर्मी का समय रहता है अप्रैल का तो अप्रैल के समय में हम एक पॉलीथीन सीड लेते हैं ट्रांसपेरेंट जो ट्वेंटी से ट्वेंटी फाइव माइक्रो मीटर की होती है और उसको हम सॉइल के ऊपर बिछा देते हैं इरिगेशन पहले करने के बाद इरिगेशन कर देते हैं फिर सॉइल में वो सीड बिछा देते हैं चार से चा चार से छः वीक के लिए फिर अल्टरनेट पंद्रह दिन में अगर ड्रिप है तो उससे इरिगेशन करते हैं जिससे हमारे जो पेस्ट होते हैं क्रॉप को बोने से पहले वो मर जाते हैं इसमें आपके नेमाटोड्स के गाल्स हो सकते हैं पिथियम वर्टिशिलियम फंजाई हो सकती है या अदर प्यूपी हो सकते हैं सो सॉइल स्टेलाइजेशन सॉइल स्टेलाइजेशन सॉइल कैन बी स्टरलाइज्ड इन ग्रीन हाउसेस एंड समटाइम्स इन सीड बेड्स बाय एरेड स्टीम और हॉट वाटर About, at about 50 degrees Celsius, nematodes, some Oomycetes fungi, and other water molds are killed. At about 60 and 72 degrees Celsius, most of the plant pathogenic fungi and bacteria are killed. At about 82 degrees Celsius, most wheat, plant pathogenic bacteria, and insect are killed. Heat tolerant wheat seeds and some plant viruses, such as tobacco mosaic virus, आर किल्ड एट और नियर द बॉइलिंग पॉइंट इज़ नाइनटी फाइव टू हंड्रेड डिग्री सेल्सियस तो सॉइल सोलराइजेशन में हमने ट्रांसपेरेंट सीट को बिछाया था सॉइल स्टेलाइजेशन प्रोसेस में हम इसका यूज़ ग्रीन हाउसेस में कर सकते हैं या इसमें हम भाप देते हैं या हॉट वाटर के माध्यम से अलग अलग टेम्परेचर देकर पेस्ट स्पेसिफिक टेम्परेचर मेंटेन करते हैं जिससे कि हमारा जो फन जय होता है वायरस होता है वो मर जाते हैं हॉट वाटर और हॉट एयर ट्रीटमेंट हॉट वाटर और हॉट एयर ट्रीटमेंट हॉट वाटर और हॉट एयर ट्रीटमेंट विल प्रिवेंट द सीड बोर एंड सेड बोर इन्फेक्शियस डिजीजेस हॉट वाटर ट्रीटमेंट ऑफ सर्टेन सीड्स बल्बस एंड नर्सरी स्टॉक्स इज डन टू किल मेनी पैथोजेंस प्रजेंट इन और ऑन द सीड एंड अदर प्रोपोकेटिंग मटेरियल्स हॉट वाटर ट्रीटमेंट इज यूज फॉर कंट्रोलिंग सेड बोर्न डिसीजेज ऑफ शुगर कैन फॉर एग्जाम्पल व्हीप इसमट ग्रासी सूट एंड रेड रोट ऑफ शुगर कैन एट द टेम्परेचर फॉर ट्वेंटी टू डिग्री सेल्सियस फॉर थर्टी मिनट्स एंड लूज इसमट ऑफ वीड फिफ्टी टू डिग्री सेल्शियस फॉर टेन मिनट्स तो हॉट वाटर और हॉट रॉयट ट्रीटमेंट में हम कुछ नहीं करते हैं जो इंटरनली सीड बोर्न डिसीजेज होती है मैगजिम उनके लिए किया जाता है तो इसमें हम हॉट वाटर लेते हैं लाइक like, जैसे बीमारी दे रखी है कि शुगर किन का वीप ग्रासी ग्रासिस के लिए बावन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखेंगे पानी का और उसमें तीस मिनट के लिए हम रख देंगे और लूज स्मट ऑफ वीट में बावन बावन डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर रहेगा दस मिनट के लिए और ये टेम्परेचर फिक्स है दो द मेन ड्राबैक इन द हॉट वाटर ट्रीटमेंट इज देट सीड्स मे बी किल्ड और लूज इट्स जर्मिनेबिलिटी इफ द पीरियड ऑफ ट्रीटमेंट एग्जिस्ट

Of so, solar heat सो व्हाट इज नेक्स्ट इज सोलर ही ट्रीटमेंट सो सोलर ही ट्रीटमेंट इज फर्स्ट यूज बाय लुथरा इन नाइनटीन फिफ्टी डिवाइज द मेथड टू इलिमिटेड द डीप सीटेड इन्फेक्शन ऑफ लाइक द मेथड इज पॉपुलरली नॉन एज सोलर हीट और सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट सो सोलर ही ट्रीटमेंट लुथरा द्वारा उन्नीस सौ तिरपन में दिया गया था और यह लूज इसमेंट ऑफ वीट के लिए ही दिया गया था इंटरनली सीट बोन के लिए इस मैथड में क्या करते हैं तो लुथरा सा सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट सो द सीड्स आर सोक्ड इन द कोल्ड वाटर फॉर फोर आवर्स इन द फोरनून ऑन अ ब्राइट समर डे फॉलोड बाय स्प्रेडिंग एंड ड्राइंग द सीड्स इन द सन हॉट सन फॉर फोर आवर्स इन द आफ्टरनून देन द सीड्स आर अगेन ट्रीटेड विद कार्बोक्सिन और कार्बन ज डाइम ए टू ग्राम पर के जी एंड स्टोर्ड दिस मेथड इज़ हायली यूजफुल फॉर ट्रीटिंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ सीड लोड्स सो सोलर हीट एनर्जी में हम क्या करते हैं कि पहले चार घंटे के लिए ठंडे पानी में जितना भी बीजे उसको सोक करते हैं सोक करने के बाद जो ऊपर ऊपर खराब भी जाते हैं उसको निकाल देते हैं निकाल देने के बाद इसको वापस हम चार घंटे के लिए सूर्य की रोशनी में रखते हैं जब सूर्य की नौकरी में चार घंटे से रखने के बाद हम इस वापस फनीस्से ट्रीटमेंट करते हैं दो ग्राम पर के जी के हिसाब से और यह मेथड सबसे ज़्यादा अधिक सीड लोड जहाँ पर सीड की क्वान्टिटी अधिक होती है वहाँ पर यूज़ की जाती है So number 5th is Moist Hot Air Treatment So this method is effectively used in sugarcane to eliminate grassy soot disease. Initially grassy soot disease initially it is uh, it is caused by mycoplasma initially the seeds are exposed to hot air at 44 degrees Celsius for 8 hours then exposed to aerated steam at 50 degrees Celsius for 1 hour एंड फाइनली टू मॉइस्ट हॉट एयर एट 54 फोर डिग्री सेल्सियस फॉर टू आवर्स सो इस मेथड में हम क्या करते हैं हॉट एयर ट्रीटमेंट का उपयोग शुगर केन की ग्रासिस disease के लिए किया जाता है इसमें पहले हम हॉट एयर देते हैं फिर हम इसमें भाप देते हैं गर्म और फिर हॉट एयर देते हैं तो हॉट एयर चौपन डिग्री सेल्सियस की रहेगी आठ घंटे तक उसमें बीच को रखते हैं फिर एयरेटेड स्टीम में हम पचास डिग्री सेल्सियस पर एक घंटे के लिए रखते हैं फिर वापस हम मॉइस्ट हॉट एयर देते हैं जो चौपन डिग्री सेल्सियस पर दो घंटे के रखते हैं इसलिए सीएम मेथड हो जाती है नंबर सिक्स इज हॉट एयर ट्रीटमेंट शुगर केन सेस्ट आर ट्रीटेड विथ हॉट एयर एट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस फॉर टू आवर्स टू इलिमेट मोजेक वायरस तो ये मोजेक वायरस के लिए यूज़ की जाती है हॉट एयर ट्रीटमेंट शुगर केन सेस्ट को हम बावन डिग्री सेल्सियस पर दो घंटे के लिए रखते हैं और एयरेटेड स्टीम थेरेपी शुगर कैन सेट्स आर आल्सो एक्सपोज टू एरेटेड स्टीम एट फिफ्टी डिग्री सेल्सियस फॉर थ्री आवर्स टू एलिमिनेट मोजक वायरस तो एरेटेड स्टीम थेरेपी का भी उपयोग हम पचास डिग्री सेल्सियस पर तीन घंटे के लिए शुगर कैन सेट्स को रखते हैं जिससे कि मोजक वायरस इलिमिनेट हो जाता है तो so, दोस्तों ये थी इम्पोर्टेंट फिजिकल मेथड्स ऑफ प्लांट डिसीज कंट्रोल थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज़ लाइक आवर वीडियो शेयर आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर वीडियो And press the bell icon for upcoming Agriculture Knowledge School videos. Thank you for watching Agriculture Knowledge School YouTube channel.